दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 2 जून 2019 रविवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, किसी भी राज्य से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर निकला है। कुछ भर्तियों के लिए आपको इनमें एग्जाम भी नहीं देना होगा और कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। इन भर्तियों पर अप्लाई करने के लिए योग्यता की अगर बात की जाए तो 8वीं 10वीं 12वीं ITI डिग्री, PG डिग्री, डिप्लोमा और भी योग्यता है जिनसे आप आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या इन भर्तियों का पूरा एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की बम्पर भर्तियाँ निकली है। सेल या पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की जानकारी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो airmanselection.cdec.in या फिर careerindianairforce.cdec.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वही बात स्टार्टिंग डेट की जाए तो ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को ही इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 जुलाई 2019 है। ऑनलाइन एग्जाम हेल्ड होगा 21 से 24 सितंबर 2019 तक। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, SECL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस के 5500 पद यहाँ पर खाली है। सैलरी 7655 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए 8वीं 10वीं क्लास पास प्लस ITI कोर्स में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। वहीं बात आयु की जाए तो 16 और 18 वर्ष है। आयु की गणना 23/7/2019 से की जाएगी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अप्लाई शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू। डायरेक्ट मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। SECL.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 27 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 23 जुलाई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, मल्टी स्किल्ड वर्कर के 778 खाली पद है। ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक के लिए यहाँ पर 19,900 से 44,400 सैलरी है। मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 18,000 से 39,900 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो 18 से 27 और मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए 18 से 25 वर्ष है। जॉब लोकेशन खाद की महाराष्ट्र है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल या OBC या EWS के लिए ₹50 अप्लाई शुल्क है। SC ST को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डायरेक्टली जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। BRO.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 16 जुलाई 2019 इस भर्ती पर आवेदन सेंड करने की अंतिम तिथि है। ऑफिशियल एड्रेस और एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नेहरू युवा केंद्र संगठन में। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन,
स्टेनो ग्रेड सेकंड, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, लॉ डिवीजन क्लर्क और एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की 337 खाली पद है। सेली आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो, जल्द इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, कम से कम 18 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जनरल या ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹700 आवेदन शुल्क है और फीमेल के लिए ₹350 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएक्स सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो nyks.nic.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, वहीं बात लास्ट डेट की जाए तो जब इसके स्टार्टिंग डेट डिक्लेयर होगी उससे 20 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। जी हाँ दोस्तों, एम्स के अंतर्गत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बम्पर भर्तियाँ निकली है। 35,400 से 112,400 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 24 जून 2019 से की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। अन्य जो कैटेगरी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है। पीडब्ल्यूडी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, शुल्क आप केवल ऑनलाइन ही जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो aimsraipur.edu.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस भर्ती के लिए कल से, जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 24 जून 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में। बेसिल के अंतर्गत भर्ती निकली है, बैक टू बैक वैकेंसीज है। स्टाफ नर्स की बम्पर भर्तियाँ निकली है। सैलरी ₹30,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 50 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 31 मार्च 2018 से की जाएगी। टेली जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए ₹500 अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी पीएच को ₹250 शुल्क जमा करना होगा, शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो bacil.com, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 20 जून 2019 है। एड्रेस आपको नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही दिया गया है, जिस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, सेल के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनी के 60 खाली पद है। सैलरी 20,600 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट डिग्री और एमबीए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 28 वर्ष है। 14 जून 2019 से आयु की गणना की जाएगी। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल और ओबीसी के लिए ₹700 अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान फॉर्म से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा इंटरव्यू और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो sale.co.in या फिर sale.careers.com, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 29 मई 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 18 जून 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। पोस्ट है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की। 85 वैकेंसी जहाँ पर निकली है। सैलरी लेवल 14 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। आयु की जानकारी आप नोटिस से रीड कर सकते हो। जॉब लोकेशन एमपी है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ₹500 है। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम के, ओनली इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो dhsgsu.ac.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 6 जून 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। आप 15 जून 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 25 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर के 22 खाली पद है। सैलरी 30,500 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बीएमएस अप्लाई कर सकते हैं। 62 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी।
असम जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अप्लाई शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा इंटरव्यू या सिलेक्शन टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। nhm.asam.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 10 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, GMCH के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। सीनियर रेजिडेंट कंसल्टेंसी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर डेमोन्स्ट्रेटर, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के 57 खाली पद है। सीधे आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट और MBBS अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। जनरल या OBC के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SC ST के लिए ₹250 है, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। gmch.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 29 मई 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 10 जून 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। इस फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। उसकी लास्ट डेट है 14 जून 2019। रिटर्न टेस्ट हेल्ड होगा 21 जून 2019 सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक। रिजल्ट की डेट है 22 जून 2019। इंटरव्यू हेल्ड होगा 27 जून 2019 सुबह 10:00 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की यानी कि रविवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से सभी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर एक्टिवेट है। किसी भी पोस्ट का आप नोटिफिकेशन सिंपली यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती के लिए सिंपली यहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पोर्टल यहीं पर सभी के दिए गए हैं। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्मेट सिंपली यहीं से डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।